उनको आपको बोलना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले. मैं उनको कभी ये कहा नहीं कि वीरू मैच जीतना है, थोड़ा सा जल्दी खेल ले. उनको कहना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले. और मैं वनडे क्रिकेट में कहता था, मैं जब ओपन करता था मैं तीन नंबर, तो दोनों पैड पहन के बैठे थे, तो मैं उनके पास आता था कि वीरू देख इंपॉर्टेंट मैच है, तू 20 ओवर खड़ा होगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तू पहला 5 ओवर सिर्फ रोक ले. तो किसी कप्तान ने नहीं कहा होगा किसी ओपनर को पावर प्ले में कि पहला 5 ओवर तू रोक. उनका रिएक्शन, वो कहता हाँ ठीक है, लेकिन जाके करता था वही. ये उनकी खासियत थी. कि मैं एक इंसिडेंट कहता हूँ, जो हम 325 चेस किए, तो मैं और वीरू ओपन कर रहा था, तो मैं बहुत गुस्से में था ब्रेक टाइम पे. मैंने कहा भाई फिर किसी ने 325 कर दिया, तीन फाइनल हार चुके हैं, शायद ये भी हाथ से निकल जाएगा. और इंग्लैंड का अटैक बहुत अच्छा अटैक था, फ्लिंट ऑफ, हॉगार्ट, गॉफ, कैडेक. तो मैंने कहा लॉर्ड्स पे फिर 325 चेस करना उतना आसान नहीं होगा. तो जब दोनों बैटिंग करने जा रहे थे तो मैं आगे वीरू पीछे, तो वो सीटी मारते मारते जा रहा था. मैंने कहा भाई तीन फाइनल हार चुके हैं, तू सीटी मारे जा रहा है. हाँ, एक तो 325 हम करवा देते हैं हर मैच, और उसके बाद दोनों को जाके ओपन करना पड़ता है और फिर जीतना भी पड़ता है. कहते आप सोचो मत, ये मैच हम जीतेंगे. मैंने कहा चल ठीक है बैटिंग करते हैं. तो शुरुआत अच्छी हुई, हम पहले 10 ओवर में शायद 65 नो लॉस थे. तो मैंने कहा वीरू देख स्टार्ट अच्छा मिल गया है, अगर हम दोनों 20 ओवर तक खड़े हो जाते, 20 ओवर में 150-160, बाकी हम बना देंगे स्कोर को, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है. मैंने कहा देख रॉनी ईरानी अगर डालेगा वो सेंट से, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना. तो ये ओवर में एक चौका मिला तो ठीक है, सिंगल लेके हम 7 या 8 कर देंगे, क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट मिला. कहते हाँ डोंट वरी. तो ठीक है, मैं नॉन स्ट्राइकर इन पे खड़ा हो गया. पहला बॉल ईरानी ने हाफ वॉली डाला, उसने कस के कवर से दिया 4. तो हाफ वॉली था, मैंने कुछ कहा नहीं वीरू को. मैं कहा वेल प्लेड वीरू, संभाल के. कहते हाँ डोंट वरी. फिर दूसरा उसने ऐसा मिडिल स्टंप पे दिया, वो बैठ के उसने उसको स्वीप मारा ऐसे, फिर 4. तो मैंने कहा वीरू देख 8 रन हो गया है, तो कुछ और मत करना, क्योंकि इस ओवर अच्छा चला गया है हमारे लिए. कहते आप चिंता ना करो. तीसरा फिर वो स्वीप मारने गया था, फिर देखो ऑफ स्टंप के बाहर है, ऐसे कर दिया उधर से 4. तो मैंने कहा वीरू ठीक है, तू सीधा तो खेल ले, तू ऐसे ऐसे कर रहा है कहीं निकल जाएगा एक बॉल स्वीप मारते हुए तो आउट हो जाएगा, तो ये जो सारा स्टार्ट मिला है हमें वो खत्म ही हो जाएगा. कहता नहीं अगला बॉल में, अगला 2-3 बॉल में आउट नहीं होगा, सिंगल खेल के आपको देता हूँ. फिर अगला उसने मिडिल स्टंप पे दिया, ऐसा फ्लिक मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 4. मैंने उसके बाद देखा ही नहीं उसको. मैंने कहा तू जो मर्जी कर ले, अगर तू आउट हो गया तो मैं लॉर्ड से सीधा तुझे इंडिया भेज दूंगा, तू होटल नहीं जा पाएगा. फिर अगला 2 बॉल उसने डिफेंस किया जाके, तो ऐसे खेलता था उसका. 12 ऑफ हिज फर्स्ट 3 बॉल्स एंड शेवाग इज प्लेइंग एक्सक्विजिट स्ट्रोक्स हियर. Well, I got a feeling, I think I agree with you here. I think this might have been what he was thinking about doing before he sliced that one to third man. He changed his mind. That was always in his mind. Now, yeah, we've got problems. 3 balls, 3 fours. Whipped away. 3 square leg, that's going to be 4. That's quite deliberate. The placement is superb. That's 4 shots of the very highest class in 5 balls. There's no doubt whatsoever this was premeditated. If it's up there and around, look at the wrist there. Roll of the bat, sparing dive. Well, it's just gothic, he can't do anything about it. But...